हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा भाई व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा आरआरबी पीओ प्री का स्कोर कार्ड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने आईबीपीएस की वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में डाल करके अपना स्कोर कार्ड जनरेट किया जा सकता है। तो मैंने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है और जो मेरा स्कोर कार्ड है वो नेक्स्ट टैब में है। तो आप लोगों के लिए चलते हैं दूसरे टैब की तरफ जिसमें मेरा स्कोर कार्ड आप लोगों को दिखेगा। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड, इसमें आप लोग मेरा नाम देख सकते हैं, सैफ मेहदी नाम है और नीचे में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ ओवरऑल जो मार्क्स है वो लिखा हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले दिखाते हैं कि रीजनिंग में मेरा मार्क्स कितना आया है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने रीजनिंग में 31 अटेम्प्ट किया था और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 19 अटेम्प्ट किया था। तो इस तरह से टोटल मैंने 50 अटेम्प्ट्स किए थे और मुझे पता था कि 50 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दिखाते हैं आपको मेरा मार्क्स कितना आया। तो रीजनिंग में मैंने 31 अटेम्प्ट किए थे और 29 मार्क्स आया है मेरा। कुछ मार्क्स कटे हैं मेरे, आई डोंट नो कि क्या गलत हुआ था जिसकी वजह से मार्क्स कटे हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18.5 मार्क्स आए हैं जिसमें 19 अटेम्प्ट किया था। तो इसमें आई थिंक एक या दो गलत हुआ होगा जिसकी वजह से थोड़े 0.50 मार्क्स कट गए। बाकी ओवरऑल जो मार्क्स आया है मेरा, जो कट ऑफ गई है, वो 56.75 है और मेरा जो मार्क्स आया है वो 47.50 है। तो इस तरह से मैं आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम अब नहीं दे सकता हूँ और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो इसके बाद मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। तो दोनों की वैकेंसी निकल चुकी है और आईबीपीएस पीओ का मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो ये दो एग्ज़ाम देने हैं तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये दो ही मेरे पास बच रहे हैं और दोनों का ही लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैं अपने जैसे पूरी कोशिश करूँगा कि ये दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और बाकी कोशिश ही कर सकते हैं अपने तरफ से, बाकी सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे व्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं तो मेरे व्लॉग्स देखने के लिए भी आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, खुदा हाफिज़।